हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं रिगार्डिंग द CUET आंसर की एंड एडमिट कार्ड, स्पेशली जो PG के जो बच्चे हैं। हालांकि जो है CUET UG की और आंसर की रिलीज कर दी गई है। CUET PG के जो एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो गए थे 12 सितंबर को। अब 12 सितंबर के बाद क्या सारा सीन है, और एक बड़ा कंसर्न था CUET PG के रिगार्डिंग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपीयर नहीं हो पाए हैं CUET के अंदर, तो उनका क्या सॉल्यूशन होगा भैया। अगर अपन बात करें यार CUET की, तो CUET के अंदर अगर 100 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60 बच्चों ने ही एग्जाम दिया था। और इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो था एडमिट कार्ड। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बिकॉज एडमिट कार्ड के अंदर क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो है अपनी एग्जामिनेशन सिटी जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाए थे। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे कंप्लेंट्स पड़े हैं, बच्चे जो बिलोंग करते हैं दिल्ली से, रह रहे हैं तेलंगाना में। अब जब करेक्शन विंडो भी ओपन किया गया और हमने NTA को जब ईमेल तक डाला इतना कि बच्चों के लिए करेक्शन विंडो ओपन किया जाए, लेकिन करेक्शन विंडो में कोई भी करेक्शन एग्जाम सेंटर्स में नहीं किया गया। इसके कारण काफ़ी सारे बच्चे ट्रांसपोर्टेशन इश्यू, अदर स्टेट इश्यू की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। ओके, सो उनके लिए हो सकता है कुछ सॉल्यूशन किया जाए। लेकिन अगर अपन बात करें तो यार कट ऑफ थोड़ा सा मान सकते हो काफ़ी कम बच्चे, मतलब जस्ट लाइक जो अटेंडेंस है वो ओनली फॉर 60% रहा है CUET के अंदर, चाहे वो PG हो चाहे वो UG हो। ओके, तो ये एक बड़ा कंसर्न था रिगार्डिंग द CUET। अब अगर अपन बात करें यार रिजल्ट की, तो CUET PG का रिजल्ट है वो एटलीस्ट आप मान के चलो कि 20 के बाद ही आने के पूरे पूरे चांसेस है। बिकॉज पहले CUET UG का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। हालांकि आपका जो आंसर की है वो 16 को टिल इवनिंग या फिर 17 को आ सकता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 17 को आ जाएगा। उसके बाद जो आपको टिल 2 दिन का टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्शन के लिए, जो भी आपका क्वेश्चन आपको लगता है कि आपका सही है NTA का गलत है, तो आप इस ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जैसे आप जस्ट लाइक फाइन वगैरह भर के फिर उसकी जो चेकिंग होती है 2 से 3 दिन उसमें लगते हैं। उसके बाद आप मान के चलो कि 3 से 4 दिन बाद यानी कि 21 या फिर 22 को आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो NTA की वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है सारा का सारा प्रोसेस चलेगा। हर यूनिवर्सिटी, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के पास जाके जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। इसके साथ यार हमारा पर्सनलाइज एडमिशन प्लान भी चलता है, तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द एडमिशन, स्पेशली PG कोर्सेज। अगर अपन यार डिमांडेड कोर्सेज की बात करें CUET PG के अंदर, तो जैसे स्पेशली MSc के जितने भी कोर्सेज हैं, MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स, MSc बायोलॉजी, MSc फिजिकोलॉजी, MSc साइकोलॉजी, राइट, तो स्पेशली जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज BHU हो गया, ठीक है, DUET का तो खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम लगता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, ओके, साउथ बिहार, एंड जस्ट लाइक मैनी मैनी कोर्सेज के अंदर काफ़ी बच्चों का इंटरेस्ट है कि भैया मेरे को इस कोर्स में एडमिशन लेना है, मेरे को जूलॉजी में लेना है, मेरे को फूड साइंस में लेना है। तो आप सभी लोग जो है अपने जो भी चॉइस फिलिंग है उसको ध्यान से फिल करेंगे, या फिर आप लोग जो है मेरा पर्सनलाइज गारंटेड अलॉटमेंट प्लान भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारी टीम फुल ट्राई करती है टू प्रोवाइड 100% एडमिशन इन योर डिजायर्ड कॉलेज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो। धन्यवाद।